अब धीरे धीरे रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे एआरजी के प्लेयर। ओके माय गॉड, यहाँ पे वाइपर ने फाइबर को पिक ऑफ कर लिया, थोड़ी सी गलती होगी थी, वाइपर ने उनको इंस्टेंटली गेम से बाहर निकाला। क्या यहाँ पर केकेएसकेआर कुछ कर पाएंगे? वहां पे वो स्पॉट तो हो चुके हैं, शायद से जैसे ऊपर उठते हैं वाइपर, व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, पीछे होने की कोशिश यहाँ पर। और यहाँ मैप के अंदर जोन की जो मार है वो उनको परेशान कर सकती है, क्योंकि जो ड्रॉप जोन के वहां पर जो ड्रॉप गिरा हुआ है वहां पर एक प्लेयर छुपा हुआ है जो व्हाइट कैट है, बट यहाँ पे ओवेस से व्हाइट कैट को मार दिया है। जब यहाँ पे पब्लिक के ओवेस को जरूरत थी वहीं पर वहां पर अपनी टीम को सपोर्ट करके दिखाया, गेम के आगे बढ़ाया। चार टीम ईएलजी के दो प्लेयर बचे, एआरजी के दो प्लेयर बचे हैं, एआरजी के चार प्लेयर बढ़े हैं, तो यहाँ पे सोल के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है। के ऐसे जब तक कुछ करते हैं मॉर्टर को नॉकआउट किया, बट वाइपर ने उनकी गेम के अंदर एंडिंग कर दी है। तीन टीम 10 प्लेयर, थग इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। चलो लास्ट सर्कल की बात करते हैं, टीम सोल एआरजी और ईएलजी। यहाँ पे टीम सोल के चार बंदे अलाइव है, एआरजी के चार बंदे हैं, एलाइट गेमिंग का एक ही बंदा बचा है जो कि बेज आई है। सोल की टीम पूरी मोटिवेटेड है, एआरजी के बंदे स्प्रेड है, सोल को थोड़ा डिफेंसिवली बट उनके फॉरवर्ड फ्लैंकर्स को एग्रेसिवली खेलना होगा, क्योंकि एआरजी के चारों बंदे हमने देखा जब मारना जानते हैं तो लोग बहुत अच्छा मारते हैं, पर सोल को यहाँ रखना होगा। अब लास्ट सर्कल उनके उनके एडवांटेज के लिए, एआरजी का हमने लास्ट सर्कल गेम देखा है, इतना उमदा नहीं खेलते जितना सोल खेलते हैं। 4v4v1 की फाइट है, बैलेंस आउट करने की बात है, अपने एग्रेशन और अपने कंपोजर को और अपने पोजीशन को होल्ड करने का। वाइपर मुझे वहां पे राइट फ्लैंक करते हुए दिख रहे हैं लेटते हुए, ओवेस को नेट कनेक्ट हुआ पर ओवेस ने थोड़ा डैमेज दिया, नॉक ऑफ नहीं हुआ, बहुत ही सही रहा ये। एआरजी का कैंडीज रैंडम स्प्रे करते हुए, ओवेस का रिटेलिएटिव फायर, एआरजी सारा से कनेक्ट हुआ, एआरजी सारा नॉक होते हुए अब एआरजी बहुत ही ट्रबल में है। तीन बंदे बचे, ओवेस ने कैंडीज को भी नॉक किया, सोल ओवेस सोल द पब्लिक, एंड यहां बचे एआरजी के दो ही बंदे, एक प्लेनेट एक लैपिस। सोल के चार बंदे, ओवेस को हील करने का मौका देना चाहिए, मेरे हिसाब से वो फुल्ली बूस्टेड होगा। वाइपर सारा को फिनिश ऑफ किया, सोल के झोली में है किल्स एंड 6 किल के साथ सामने बचे हैं उनके चार ओपोनेंट। ये बेस्ट टाइम है सोल के लिए चिकन डिनर पिक ऑफ करने का। एआरजी लैपिस प्लेनेट और ईएलजी के बंदे बैंडेज यहां लगा रहे हैं ओवेस, क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं अभी वो टीम के लिए सबसे आगे एडवांस पोजीशन में। रौनक ने यहां कैंडिस को फिनिश किया, टीम के लिए 7 किल आते हुए, टीम सोल यहां चिकन डिनर की ओर बढ़ते हुए, एंड यहां पे एक नेड आया जो मुझे लग रहा है काफी टीम सोल के करीब गिरा है। यस वाइपर के बहुत ही करीब था, वाइपर यहां पे 50% हेल्थ में आ गए हैं, उनको अब खुद को रिवाइव करना होगा। लैपिस धीरे धीरे जोन के अंदर बढ़ते हुए, यहाँ मेरे हिसाब से लैपिस स्पॉट होगा क्योंकि वहां पे ग्रास नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और थक दाद दूंगा इस जज्बे की जो आपकी यहाँ पे बोल रही है बात। ओवेस के पास यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं है तो यहाँ पे बैंडेज से काम चला रहे, बट वाइपर ने लैपिस को पिक ऑफ कर लिया है। एआरजी है जो यहाँ पर कंटेंडर है चिकन डिनर की, बट वहां पर एक एक करके उनको हंड डाउन कर रहे हैं, एक एक प्लेयर बचा है, 3-6 प्लेयर है, 4 सोल है, एक एक। और अब वो टाइम आ चुका है यहाँ बर्लिन के अंदर झंडा गड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सो यहाँ पे ईएलजी के बेजाइन है, सोल को सोल के लिए काम और आसान करते हुए चार बंदे बचे, वाइपर फॉरवर्ड आते हुए, वाइपर फॉरवर्ड आते हुए सोल ओवेस के रैंडम से बेजाई, ओवेस के बहुत ही अपेंट टीम सोल ओवेस बोल द पब्लिक। और इसी के साथ टीम सोल जो इंडिया से गई है बर्लिन में, यहां पर दूसरे दिन के अंदर आखिरी रैंगल में दिखा दिया कि कौन है वो अल्टीमेट टीम जो अभी भी कुछ भी करके दिखा सकती है। चिकन डिनर मांग रहे थे, चिकन डिनर यहां पर सर्व कर दिया है हमारी ऑडियंस के। एंड यस मिस्टर रौनक ओवेस वाइपर मॉर्टल एवरीवन जस्ट मूविंग कि यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करा, पीछे से आएंगे और पहली फुर्सत में सबको निकाल देंगे। बिल्कुल सही कहा यहाँ आपने, एंड टीम सोल का फाइनली चिकन डिनर गेम नंबर 10 में पूरे पॉइंट्स टेबल को बदल देगा। जर्मनी में जाके झंडा गाड़ा, इंडिया में झंडा गाड़ा, एंड फाइनली जितने भी लोग